स्ट्रॉबेरीज ओरिजिनेटेड इन यूरोप, पर आजकल इंडिया में भी स्ट्रॉबेरी बहुत मिलती है। यूजुअली स्ट्रॉबेरी तो हम रॉ और फ्रेश खाते हैं, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा यूज जैम, जेली, डेजर्ट्स और चटनी में भी है। तो आइए देखते हैं इसकी एक बहुत ही लाजवाब चटनी। वेलकम बैक टू माई चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी की मीठी चटनी। इसके लिए हमने लिया स्ट्रॉबेरी और इसके लिए इसका ऊपर वाला डंठल मैंने काट दिया। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी को ग्रेट कर लेंगे। थोड़ा मोटे वाले ग्रेटर से ही ग्रेट कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए ये है ग्रेटेड स्ट्रॉबेरी। 15 स्ट्रॉबेरी को मैंने ग्रेट कर लिया। थोड़ा सा नमक, एक सूखी लाल मिर्च, गुड़, जिंजर 1 टीस्पून ग्रेटेड, थोड़ी सी सौंफ और ये है थोड़ा सा ऑयल, तेल। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। If you are hungry for more such recipes, then please subscribe to my channel, Delicious Khana Jhatpat Banana, and press the bell icon and set this bell icon for all notifications so that you get latest notification of my videos. कढ़ाई में हमने बहुत थोड़ा सा तेल डाला, उसमें हमने डाल दिया सूखी लाल मिर्च और जैसे ही लाल मिर्च थोड़ा सा हो जाता है तब हम इस पर डाल देते हैं सौंफ और इसके बाद हम इस पर ऐड करते हैं ग्रेटेड स्ट्रॉबेरी। ये हमने 15 स्ट्रॉबेरी को ग्रेट किया है। ऐड कर देते हैं थोड़ा सा नमक। और ये मैंने डाला 1.5 टेबलस्पून गुड़। आप चाहें तो गुड़ की जगह शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ डालने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का कलर ऐसे ही बहुत डार्क होता है और शुगर की बजाय गुड़ खाना ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा चलाने के बाद अब हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर। और ये देखने में ही इतनी अच्छी है कि क्या बताए। और आपको पता है स्ट्रॉबेरी इज एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी, मैंगनीज, फोलेट एंड पोटेशियम, एंड स्ट्रॉबेरीज आर वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड प्लांट कंपाउंड्स विच मे हैव बेनिफिट्स फॉर हार्ट हेल्थ एंड ब्लड शुगर कंट्रोल। तो तैयार है हमारी बहुत ही अच्छी मीठी सी स्ट्रॉबेरी की चटनी। इसे आप पूरी, पराठे, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बच्चों को ब्रेड में जैम की जगह इसे लगाकर दे सकते हैं। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, अगर कोई फूड इंडस्ट्री में बनकर आ रहा है तो वो फूड की वैल्यू उतनी नहीं होगी जितनी अगर आप उसे घर में बना के देंगे। तो जैम भी हम मार्केट से खरीदते हैं, उसकी जगह आप स्ट्रॉबेरी कि ये चटनी ब्रेड पर लगा कर दीजिए, बहुत खाने में स्वादिष्ट लगेंगी। या कोई भी फ्राइड स्नैक्स के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं और ऐसे भी थाली में चटनी जैसा इसे परोस सकते हैं। तो आज मैं इसे मसूर दाल के पकौड़ों के साथ सर्व कर रही हूँ और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है। एंड दी चटनी इज़ वेरी 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 टेस्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ड्रॉप अ लाइक, leave a comment, share with your friends and family, set bell button for all notifications.